हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के बजे हैं 8:30 और जिन बच्चों के स्कूल चल रहे हैं उन्होंने भी लगा दिया है इतनी तेज ठंड को देखकर छुट्टी। तो यहाँ पर छोटे बच्चों की तो छुट्टियां हो ही रही हैं। इन्हें बैठी हूँ मैं अंदर कमरे में लेकर और थोड़ा सा कराया एक्सरसाइज। ये देखो अभी फुर्ती सी आ गई है, शरीर गर्मा गया। लेकिन ये तुम सही नहीं करते हो, ये तुम उल्टा पुल्टा करते हो। और इधर गुड्डू ने भी आज स्कूल जाना कर दिया है कैंसिल, क्योंकि उसे भी हिरस आ गई। कैरी जब कोई नहीं जा रहा तो मैं क्या करूंगी जाके, तुम कह रही मैं तो यहीं बैठ कर पढ़ लूंगी। अभी बच्चे कर रहे हैं सारे इंतजार नाश्ता कब आएगा हमारे लिए, कि नाश्ता आज इनके लिए लेकर आना है मुझे यहीं पे। अकेली जाती तो सब्जी मुझे शाबाशी देती ना। हाँ, शाबाशी देती जैसे तुम्हें मिलती है। सिमरन को लगी है भूख, काफी देर से उसने मुझे बोला था। अब मैं जाऊंगी नीचे और कुछ इंतजाम करके आऊंगी। आरुषि भी है इधर, सारे बच्चे आ गए हैं ऊपर वाले रूम में। तो बच्चों तुम लोग बिस्तरों में रहो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता यहीं पे, है ना? बढ़िया सा गरम गरम चाय। हाँ ठीक है, बढ़िया सा ही लाऊंगी। हाँ ठीक है, वैसे भी हाँ ठीक है, गर्म गर्म ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। इतने कड़ाके की ठंड में सबका मन करता है बस रजाइयों में पड़े रहे, लेकिन रजाई में पड़े रहने से भी काम नहीं चलेगा। जो काम करे बिना काम नहीं चल सकता, वे तो करने ही पड़ेंगे। तो देखो जी, पूरा पानी पड़ रहा, पूरा फर्श गिल्ला है, इतनी ज्यादा सर्दी है। और कपड़े धोने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही। 3-4 दिन हो गए भाई, विटामिन डी भी नहीं मिल रही और हाथों पैरों में धूप के बिना इतना दर्द है बहुत ज्यादा। अब ज्यादा सर्दी में महसूस हो रहा भाई, एक पैर से ही चलना पड़ा है सीढ़ियों पे। भी कैसी हालत होगी अभी से, इतनी तो उम्र भी नहीं है। 10 बज गए हैं, उठना नहीं क्या आज? छुट्टी मना रहे क्या सबके सब? चिंकी तो भाई सबसे पहले तो करना है नाश्ते पानी का जुगाड़ सबका। 9 बज चुके हैं भाई और आज सबकी छुट्टी है बालकों की, इसलिए सबको जो है ना पैक करके रखा है घर में ऊपर वाले रूम में। मगर बाहर मत निकल जाइयो। नाश्ता खाना जो भी है सब कुछ यहीं पे अवेलेबल होगा आपके लिए, और जब तक सूरज नहीं निकलते हैं, क्योंकि आज ठंड का प्रकोप कल से परसों से भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आप देख सकते हैं मुंह के जरिए भी निकल रही है, तापमान जो है बाहर का बहुत बिल्कुल कम हो गया है। सुबह सुबह यहाँ पे चल रही है नाश्ता पानी देने की तैयारी। ब्रेकफास्ट में देंगे हमें चाय बिस्किट नमकीन और उसके बाद करेंगे बाकी तैयारी। और ये जो कप लेके आए थे आज इसमें बैठ के पियेंगे हम चाय, इसमें बैठ के नहीं बैठ कर इसमें पियेंगे चाय। मगर कभी कप में ही बैठ के पीते। और हम लोग जो चाय की केतली लेके आए ना, ये मिल्टन की है। ये देख, ये मैंने आपको डब्बे में से निकाल के पहले दिखा दी थी और इसे साफ करके लाऊंगी मैं आज। गेर में चाय इसमें ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जब तक चाय लेके जावे ठंडी हो जाए। स्टील के उसमें लेके जा डब्बे में, और जब तक जावे मतलब 50-60 मीटर की दूरी में इतनी ठंडी चाय हो जाए जब तक वे हाथ हूथ धो के आवे भाई तो बहुत ठंडी होगी। तो इसलिए भाई ऑप्शन में लानी जरूर थी, उसे भी ठीक करवा लेंगे। और ये है कितने की? 290 की। अब ओरिजिनल लोकल का तो हमें पता नहीं, पर ये इतने की मिली है। तो अभी फिलहाल है चाय का समय और सर्दी बहुत ज्यादा है, तो चाय का समय होना ही चाहिए इस टाइम। 10 बज गए हैं और ये भी वेट कर रहे हैं। तो भी वेट कर रहा है, आ गया तू, आ जा ठे हो जा भाई। ये भी देखो इन्हें भी पता चल जा, अभी ब्रेकफास्ट का समय हो गया। और ये 4 हैं और सबसे छोटा भाई, इसके लिए अलग से रखना पड़ेगा। आओ आओ इधर आओ। ये देखो 3 दिन में दिखाए तो ये छोटे वाला है रे, कहाँ टूर पे जा रहा था रे तू? आ जा ये तो ले, इसमें तो खा ले, फोन में तो ले। तेरा जल्दी नंबर आ जाएगा, है लगा छल्ला। यो सरदार है, यो सरदार है सबका, टीम लीडर। कमजोर है सबसे ज्यादा, उसे भी दे, वो छोटा एम्प्लॉय है बेचारा। ये तो खाओगे आज जलेबी भी, ये लो जलेबी टेस्ट करो, है कुछ मीठा हो जाए नए साल के उपलक्ष में, है तोड़ के खाओ, खाओ तोड़ के। ओ बेटे ले भाई, ओ छिन्ना जपटी। ओ ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए धनिया। पापा जी देखो मेथी, मेथी क्या मेथी कितनी हरी भरी हो। सुबह सुबह आज यहाँ पे विजिट है भाई, अभी ओस उतरी नहीं है, बहुत ज्यादा फोक भी है और सब्जियां जो है वो ओस में है अभी। देखो ठंडी, ओस वाली सब्जियों का कलर देखो और वैसे ही
नेचुरल सब्जियों का कलर देखो कितना अच्छा। हाँ तो जब वो सुतर जाएगी तो तब तो कलर अलग हो गई। ये इधर से देखो कोने में से वो सुतार दी चिंकी ने। और भाई फसल कुछ पीली सी पड़ गई भाई। ये तो है ये भी देखना आगे नहीं आ रही भाई। अभी हम चाय पानी लेके आए थे यहाँ पे तो सोचो चलो यहाँ की भी एक छोटी सी विजिट कर लेते हैं भाई अपने कृषि फार्म की किचन गार्डन। इसमें पालक तैयार है, मेथी तैयार है, धनिया है, सेव चना, फिर पालक है। उधर भाई प्याज भी लगा दी हमने, ऐसी बात नहीं है, लहसुन और प्याज भी। ये है इधर प्याज का खेत, तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा अभी देसी खाद की जरूरत है। और ये सरसों का खेत, सरसों का खेत भी है भाई। तो पन्नी भी टाका भाग गया तो चाय आया होगा सर। ओ शिकारी खुजली लग गई का तेरा बजा कैसा घूम रहा तू पेट वेट तो कम ही भरण दिया उस बड़े वाले ने। कहाँ जा खड़ा हो के दिखाइयो अपनी हैरत अंगेज कला दिखाइयो एक बार। दो पैर पर खड़ा हो जाए जब खाना आवे। हमारे घर के बड़े बड़े खिलाड़ी इधर खेल रहे हैं और मैं इन सब के पेट पूजा का इंतजाम कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने इनको हल्का सा नाश्ता करा दिया है। अभी अपने अपने काम पर लग गए। एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी भाई खेलने के लिए भी। कुकर में आ रही है सीटी पे सीटी। आज मुझे बनाना है पनीर के साथ में मसाला पूरी। तो टमाटर प्याज हरी मिर्च अदरक इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से पीस लेंगे और फिर मैं बनाऊंगी लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट। तो इधर मैंने सारी मटर छोटे कुकर में उबाल लिया है। उबली हुई मटर से और अच्छा टेस्ट आता है। अभी इसे पीस लेते हैं फिर मिट्टी का चूल्हा जलाते हैं। अभी कोहरा थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन आज बहुत छार सी पड़ी जैसे हल्की सी बारिश हो रही है जीरो साइज का। लेकिन चूल्हे के पास में हाथ सेकना का बच्चे भी बैठ जाएंगे आराम से। जैसे बिस्तर में नहीं बैठते ना वहाँ बैठ कर तो आराम हाथ सेक ही लेंगे। 11:15 का टाइम हो गया तैयारी करने में। बहुत सारी चीजों की मुझे समय लग जाएगा। और ये कप चाय पीते ही मैंने धो दिए क्योंकि और बर्तन के साथ में खराब हो जाएंगे। भाई आज बहुत परेशान कर दिया इस चूल्हे ने मुझे जलने में। बहुत फूंक मारनी पड़ी फूकनी थे जब जाकर बात बनी। मगर और थोड़ा सी लग जाइयो और इतने हाथों को गर्मा लूँ अपने हाथ ठीक रहे बहुत ज्यादा। सभी पात धोना पड़ा है ना उस वजह से पानी मार देने पड़े बार बार। चलो भाई चढ़ा देते हैं कढ़ाई। ओ ये हमारी कढ़ाई और ये कुंडा जो हमने इसमें डलवाया था ये फिर से नाच करने लगा। यो कंपनी वालों की तरफ से ही है। यो हमने दूसरा चढ़वाया था। मुझे दिक्कत है। क्या पूछ कर तो आया था मैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि क्या बनाऊं। जब बच्चों की पसंद की चीज़ बनाती हूं तो वो अच्छे से खा लेते हैं फिर मन में ये नहीं रहता कि इसने ये खाया उसने ये नहीं। खुशी होती है दिल को एक तसल्ली मिलती है। और सिमरन आई हुई है हम लोग उसी से पूछते हैं क्या खाएगी। जब वो बता देती है तो हम फिर वही बना लेते हैं और सारे बच्चों के मजे आ रहे भाई। बात ही है ये एक टाइम होता है एक साथ रहने का। नहीं तो सब हम लोग देखो आज अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा व्यस्त है। कहीं जाने का किसी को फ़ोन करने का भी टाइम नहीं होता। एक पल होते हैं बहुत अच्छे जिन्हें हम बिताते हैं अपना बचपन और अपने मामा फूफी सबके बच्चों के साथ में मिलकर। तो यहाँ पर मैंने पनीर की कटिंग भी कर लिया है इसको डाल दिया है अभी और पकाएंगे। यहाँ पर मैंने इसमें मेथी पत्ता धनिया और जो बथुआ है वो तीनों चीजें डाल ली है। अब इसको पीस लूंगी मैं क्योंकि आपने मुझे सजेस्ट किया था कि इसे पीस कर डाला करो तो बच्चे अच्छे से खाएंगे। तो चलो जी इसे पीस लेते हैं। मेथी बथुआ और जो धनिया है वो हमने अब की बार पन्नी में करके लिफाफे में रखा था तो बिल्कुल भी मतलब पीला नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें मैंने पीस ली थी। इसमें थोड़ी सी मैंने लहसुन प्याज भी डाला था जिससे कि पूरी का टेस्ट एकदम अच्छा आए। तो यहाँ पर आटा लगा कर रख लूंगी जब तक पनीर भी बनके तैयार हो जाएगा। ऊपर से बच्चे देख रहे हैं मम्मी कितना समय लगाएगी। बेटा मम्मी नहीं समय लगा रही है आज तो ये चूल्हा समय लगा रहा है। तो यहाँ पे ये मटर पनीर बनके तैयार हो गया। इसे थोड़ा सा जो है ये डाल देते हैं कसूरी मेथी ऊपर से। धनिया पत्ती इसलिए नहीं डाल रही फिर ना चिंकी नखरे दिखावा जाता है। पीस पास का वैसे सारी चीज मैंने इसमें डाल दी इंग्लैंड वाले पराठे बनाने के लिए लेकिन यहाँ पे बनेगी आज पूरी मसाले वाली। बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी पराठे ना रोटी पूरी बनाओ आप ये जो आपने आटा लगाया है क्योंकि रोटी खा खा के हम बोर हो गए। और ये देखो एकदम टेस्टी टेस्टी यम्मी पनीर बनके तैयार हो गया। इसे उतार देते हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने दूसरी लोहे की कढ़ाई रख ली है। बच्चे आ गए थे घेर में से। इनके तो कहीं कहीं चक्कर लगते हैं कभी घेर में कभी ऊपर कभी घर कभी मेरे आसपास घूमना। तो अभी जैसे ही मैं पूरियां तल लूंगी तो फिर इन सबको आवाज लगा दूंगी। कटोरी में मैंने सब्जी डाल दी है और बस बच्चों से मैंने बोला कि बर्तन ले आओ आप लोगों का खाना लगा दूंगी क्योंकि सुबह के टाइम चाय
चाय स्नैक्स वगैरह ही हमने इनको दिए थे, तो पनीर की सब्जी बनी है एकदम लाजवाब। तो ये सबसे पहले भूख लग गई है आरुषि को, तो इसे देखकर आ गई है अभी सिमरन भी, और खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं। मैंने कहा रोटी सेक लूं, तो बोली रोटी खा खा कर हम लोग बोर हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लो भाई गेट खोल करियो। लो बेटा बाहर कोई है, गेट खोलियो। तो यहाँ पर अभी मैंने सारे बच्चे चटाई डलवा ली थी, यहीं पर बिठा दिया क्योंकि भाई मैं देती रहूंगी इनको साथ के साथ गरम गरम पूरियां तलने के। तो भाई ये देखिए 2 बज गए हैं, खाना बनाने का काम, बर्तन साफ करने का काम ने निपटा दिया, और गुड्डू के पापा गए हैं इतनी सर्दी के मौसम में मेरठ देखने के लिए गए हैं। गाँव का ही एक लड़का कई दिन से बहुत ज्यादा बीमार है, तो भगवान जो है उस लड़के को ठीक ठाक कर दे भाई। सबकी यही प्रार्थना चल रही पूरे गाँव की। बच्चे खाना खाते ही घेर में पहुंच गए थे भाई, और नंदनी कह रही मुझे आते ही खाना बन गया क्या। मैंने कहा आज मैंने बोल दिया था जिसे खाना खाना है तो अभी गरम गरम खा लेगा, वरना तो बाद में किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर टाइम हमें भी पानी में आधे तोआल का सब है, सारा दिन बर्तन ही साफ करो जा। तो सारे बर्तन इकट्ठे करके साफ कर दिया, अभी दरगाह एरिया रह रहा, ये करेगी प्रीति साफ, और मुझे चलना है अपने वर्क स्टेशन पे, क्योंकि आज का व्लॉग जो है अभी तक अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि रात लेट हो गए थे हम गुड्डू के पापा, फिर हम इसके पापा के पास चले गए थे। तो शादी के बारे में कुछ सलाहबंदी चल रही, क्या क्या प्रोग्राम है क्या नहीं के बारे में, काफी कुछ इस तरह से मैनेज करना पड़ता है भाई जब इनकी छुट्टियां पड़ जाती है कई दिनों की। सर्दियों की है छुट्टी, लेकिन सर्दी से डर कोई नहीं रहा है, सर्दी में घूमते फिर रहे, या तो इन्हें कंप्यूटर चाहिए या ये घेर में जाएंगे, ये लड़ रहे, दोनों का नंबर नहीं आ रहा कोई से कभी। क्या बात हुई यार उसी, मैं नहीं दिखा रही। अरे दिखाने का क्या मतलब, इसमें तो कई जने देख सके एक साथ है नंदनी, वो होगी नाराज, अभी से मना के लानी पड़ेगी। और सिमरन इधर, सिमरन ने ले रखा है एक, और बस भाई सर्दी से बचाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, इन्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा भाई। तो भाई खतरनाक चीज़ें कोई नहीं देखने का, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए है ये सब, फिर खाना वाना खा के सो जाइए, आराम कर लियो। घेर में जा रहे थे ना, वहाँ भी कूदते फिर रहे थे ऊपर छत तक। बहुत सनसनाती हवा लग रही चारों तरफ से, धूप 2 दिन से निकल नहीं रही, और ये क्या देखती है, इसको पसंद है ये देखो, और इसको पसंद है ये, और भाई इसे सिमरन को क्या पसंद है, सिमरन यूट्यूब वीडियो। इसे एक ट्रिक सिखाई है, ये देखो आंखों को कैसे कर ले, दोनों पुतली घुमा के, और ये गुड्डू ने बताया कि नाक के ऊपर उंगली रख के और उंगली को देखना है दोनों आंखों से। ना ये तो इस पे ही है कला। हाँ सच्ची, ये तो देख ले, नहीं ऐसे रख बीच में नाक के ऊपर, नहीं तेरे पे नहीं है ये कला, दिखाइए दिखाइए, देख तो लिए दिखाइए। कल से यही ट्रिक करके दिखा रही है, मतलब दोनों पुतलियां एक साथ घुमा देती है अंदर की तरफ को। हाँ किसी पे नहीं करना, अब तक तेरे सिवाय नंदनी, गुड्डू दीदी पे भी आया करना है। एक चीज आप दीदी बोलने लगी, सुबह दीदी भैया बोल रही थी, देख लो सब बोलने भी लगी, ट्रेनिंग में सक्सेसफुल रही मैं। मैं तो पहले दीदी अच्छा, ये कौन है ताऊ जी? मैं कौन हूँ? पापा जी देख इनके सिर के बाल उठे, ताऊ जी बढ़ने ही है, बढ़े ताऊ जी हैं, अब ये ताऊ जी बढ़ गए। ताऊ जी है तेरे, ताऊ जी क्या कर, और मैं तेरी ताई हूँ। और अब डालो बेटा, ये ताई है और मैं तेरा ताऊ हूँ, ठीक है? नहीं पापा जी मम्मी। और ताई कौन है? ताई कौन है? ताई तो है माई की मम्मी। माई की मम्मी को ताई कहा है। तो भाई ये एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ कुछ सीख रहे नई चीजें, कुछ ऊटपटांग और कुछ सही वाले, और छुट्टियां ऐसे ही कटने वाली हैं। अभी इन्हें 3रा दिन होगा लगभग है, और इन 3 दिनों में ही हमें ये लगने लगा कि आखिर ये इतनी लंबी छुट्टी है, आती क्यों है, क्योंकि बिना छुट्टी पड़ो ही हमने इनकी 3-4 दिन की चड्डे की मारी छुट्टी लगवा दी, पेपर दे तो ही बंद, स्कूल में जाना इनका। सरकार छुट्टी दे रहे,
सर्दी से बचाने के लिए कि बच्चे सर्दी से बचेंगे, घर बैठ जाएंगे कपड़े में। ये बैठे कहाँ? ये बन जा कलाकार, ये छुट्टी में बन जा कलाकार। ये देखो अभी कुछ और भी कर देंगे। बन गए सेंसा बालू वाला हाथ, अमिताभ बच्चन वाले सेंसा। ये देखो आग बिल्कुल यहाँ मिला दें काली पुतली। आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूंगी और कल मिलूंगी एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें।